डॉक्टर साहब आजकल टेंशन बहुत है, बिजी लाइफ है, टेंशन तो होगी ही, तो ऐसे में बीपी हाई की जो प्रॉब्लम है वो आम देखी जा रही है, इसके क्या कारण है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम माने तो वात के कुछ पांच प्रकार कहे गए हैं। पांचों में से एक प्रकार है व्यान वायु। जब ये व्यान वायु विकृत हो जाता है, अपने स्थान से हट जाता है और बढ़ जाता है, तब हाई बीपी रहना शुरू हो जाता है। हाई बीपी का मतलब है ब्लड का प्रेशर जो आर्टरीज पे रहना है वो बढ़ जाता है, जिससे कि नॉर्मल प्रक्रिया है ब्लड की वो तेज़ रफ्तार से बहना शुरू हो जाएगा धमनियों में, जिसमें कि टूट फूट ज़्यादा होती है। तो हाई बीपी रहने के बहुत सारे उपद्रव भी हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। और इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि थायराइड अगर हो तो भी हाई बीपी रहना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो तब ज़्यादा, स्ट्रेस टेंशन तो मेन कारण है ही। डॉक्टर साहब ये तो बात हुई कारणों की, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो हाई बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, बीपी हाई रहने के कुछ स्पेशल सिम्टम्स हैं। आपको हेडेक रहना शुरू हो जाएगा, आंखों पे भारीपन रहना शुरू हो जाएगा, नोज ब्लीड करना शुरू कर देता है। बहुत सारे टाइम आप देखते हैं कि कोई भी सिम्टम नहीं आता। एसेंशियल हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार कोई डिजीज़, कोई सिम्टम कुछ भी नहीं है। आप पेशेंट हमारे पास आता है, हम बीपी चेक करते हैं तो एकदम से बढ़ा हुआ मिलता है। तो कई बार कोई सिम्टम नहीं मिल पाता और कई बार बहुत सारे सिम्टम जैसे कि आंखों के ऊपर प्रेशर जो मैंने बताया ये मिलता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे लगातार बात चल रही है हाई बीपी की, तो हाई बीपी की वजह से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट्स में, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी दें। देखिए, हाई बीपी के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रेशर से ब्लड जाएगा तो हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी फेलियर जैसी बीमारियां देखी गई हैं। लगभग ये हाई बीपी तीसरा कारण, मेजर कारण है जिसके कारण किडनी फेलियर जैसी डिजीज़ देखी गई है। उसके बाद हाई बीपी के साथ के कारण हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये तो बात हुई कारणों की, सिम्टम्स की हमने बात की, अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेद में हाई बीपी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? देखिए, हाई बीपी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, अपना आहार और विहार ठीक करें। आहार में आपकी प्रकृति के हिसाब से खाएं, कम नमक खाएं, विहार में कुछ एक्सरसाइज करें, योगा और प्राणायाम करें, ये करने बहुत ही ज़रूरी हैं। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम थोड़ी देर, लगभग 30 to 60 मिनट्स अगर हम योगा और प्राणायाम करें, तो आपकी ये तकलीफ हमेशा के लिए ज़िंदगी से चली जाएगी। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तनाव को कम करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में देनी पड़ती है, जिससे कि बीपी जो है वो कंट्रोल रहे। साथ में कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स इसमें हम करते हैं, जैसे कि शिरोधारा करते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूस फ्लो ऑन टू ईयर फोरहेड, कुछ ऑयल का, कभी तक्र का, तो देख के पेशेंट के हिसाब से किया जाता है, जिससे कि मानसिक तनाव में कमी आती है, नींद इंसान की बेटर होती है, ब्लड सर्कुलेशन टू ऑल बॉडी पार्ट्स इम्प्रूव होता है और बीपी डाउन हो जाता है। और उसके साथ साथ फिर लाइफस्टाइल चेंजेस में, जैसे मैंने बताया, साथ में हम वॉकिंग करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप भी आयुर्वेद से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए इनका फ़ोन नंबर और इनके हॉस्पिटल का एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर इनका नंबर किसी कारण बिजी आता है या फिर नहीं लगता, तो आप इन्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं या फिर अगले दिन भी इनको कॉल कर सकते हैं।